बड़े बड़े फार्म दिखाना भाइयों, और जैसे कि काफी पैसे खड़ी हो, हर दिन का 500 लीटर 1000 लीटर और 2 करोड़ 4 करोड़ ऐसा फार्म दिखाना, उससे बजाय हम छोटा फार्म दिखा दे भाइयों। छोटा इसलिए दिखाते हैं, ज्यादातर हमारे जो पशुपालक भाई है वो शुरुआत करते हैं वो छोटे फार्म से करते हैं, और जो छोटा फार्म होता है उसी पर ही अच्छी जानकारी मिलती है भाइयों। और हमारा मुखिया ऐसा ये रहता है कि पशुओं को हम ज्यादा फोकस करते हैं, कौन सी नस्ल अच्छा दूध देती है, उसके क्या कैरेक्टर है, कौन सी नस्ल पे पशुपालक सक्सेस हो पाता है। और मुखिया ये पशुपालन में भाइयों एक तो काम करती है अच्छी नस्ल और फीडिंग, यानी कि पशुओं को खाना कैसे दिया जाता है और क्या क्या दिया जाता है, वो मेन ध्यान रखना होता है भाइयों। तो भाइयों आज हम आपको उच्च बन्नी भैंसे दिखाने वाला है, उसके अंदर बन्नी भी है, जाफरी भी है और कुछ मेहसाणी भी है, और दूध में भी अच्छी है और कितना दूध देती है, और ये पशुओं को ये नया पशुपालक क्या क्या खिलाता है, पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को आप भाई अंत तक देखें और एक अच्छी कमेंट कर लो। चलिए ओनर से मिलते हैं। जी मेरा नाम है रबारी जगदीश भाई माला भाई जी, मेरे गांव का नाम है बुरेठा, तहसील है बाबर और बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में है ये। अच्छा, तो पशुपालन कितने समय से करते हैं आप? जी अब हम तो ऐसे तो 10 साल से करते हैं। अच्छा, ये बन्नी पर हमने 3 साल से काम शुरू किया है। ये 3 साल से ही आप बन्नी पे आ गए? हाँ, बन्नी पे आए हम। शुरुआत में हमने एक वीडियो बनाया था और उसके तभी आपके पास मेहसाणी नस्ल ज्यादा थी, ज्यादा थी, ज्यादा थी, तो पशु भी ज्यादा थे, तो सभी पशु बेच दिए क्या? बेच दिए हमने, 10 बफेलो ऐसे एक मंथ पहले सेल की है। अच्छा, और अभी मेरे पास 9 बफेलो बड़ी है। अच्छा, और हमारा काम जो है वो बन्नी ब्रीड बनाने का है। अच्छा, जो हम छोटे छोटे कटड़िया तैयार करते हैं। अच्छा, तो मुख्य काम आपको बन्नी पे फोकस करना है? बन्नी पे फोकस है हमारा भाई। यहाँ पर 2 बुल है और 5 आकर स्पेशल हम आपको बुल दिखाएंगे भाई, आप खुद चौंक जाएंगे, क्योंकि आप पशुपालन करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा बुल होना चाहिए, जिसका रूप भी प्योर होना चाहिए, यानी कि जो बन्नी के प्रॉपर कैरेक्टर है वो होना चाहिए, और उसकी माँ का रिकॉर्ड यानी कि थोड़ी बहुत आगे की जो बेटी है वो भी अच्छी दुधार होना चाहिए। तो एक बड़ा भी बुल है, एक छोटा भी बुल है भाई, हम दिखाएंगे और आप खुद कहेंगे भाई यहाँ पर बुल है भाई। तो जगदीश भाई, पिछले साल बनासदीरी में कितने का दूध भराया था आपने, वो पहले थोड़ा बता? साल सच बताया हमें तो थोड़ा घाटा भी हुआ है पिछले साल। अच्छा, हमने 11 लाख का दूध भराया है। 11 लाख का दूध भरवाया था। पशु कितने थे दुधारू? पशु थे हमारे पास 6-7 दुधारू भैंस थी। अच्छा, और हमारे पास बुल नहीं था। बुल नहीं था तो सभी बफेलो ऐसे ड्राई हो गई थी। अच्छा, बिना गाभिन हुए। अच्छा, फिर हम बन्नी से बुल लाए। अच्छा, और फिर बफेलो गाभिन हुई तो हमने अभी 20 भी आई थी तो 10-12 तो हमने सेल कर दिए। सेल कर दिए, और ये अभी 9 बफेलो रखी है हमने। 9 बफेलो रखी है आपने? रखी है खुद? जी रखी है। अच्छा, और मुनाफा कितना मिला था? मुनाफा अगले साल तो 5.5 लाख का मिला था। हाँ, जब 20 लाख का दूध हुआ था तभी 20 बफेलो हमारे पास थी। अच्छा, और पिछले साल का कितना मुनाफा था? अभी नहीं आया है, अभी आने वाला, अभी आने वाला है। अच्छा, 3 लाख के आसपास तो हो जाएगा। 3 लाख के आसपास हो जाएगा। तो अभी मार्च एंडिंग का हिसाब हो गया, अब ये मुनाफा अब मिलने वाला है। मिलने वाला। तो अपने पास अभी फिलहाल कितने दूध, फिलहाल कितने का? 6 बफेलो बी आई है। 6 बफेलो बी आई हुई है? 6 है मेरे पास बी आई हुई। टोटल कितने दूध दे रही है अभी? 40 लीटर तक हो जाता है। 40 लीटर टाइम का? हाँ, हो जाता है। 40 पूरे दिन का? दिन का तो 70+ चला जाता है, 80 के थोड़ा अंदर रहता है। अच्छा, तो ये मेहसाणी है? ये मेहसाणी नस्ल है। अच्छा, ये दूध में बहुत अच्छी है। कितना दूध है? 16 किलो रेडी है इसके नीचे। 8 लीटर दोनों टाइम 8 लीटर रेडी है। अच्छा, ये आपके घर की है? 20 दिन हुए नहीं, करके अभी 20 दिन हुआ है। ये छोटी कटड़ी है नीचे। अच्छा, ये मेरा अंदाज है कि 20+ निकल जाएगी, लेकिन 20 तो देगी ही देगी, दोनों टाइम का 20 देगी देगी देगी। अभी बिया हुए 20 दिन हुए, 20 दिन हुए है, 20 दिन हुए, 8 लीटर दूध हाजिर है। 16-17 पर रहती है अभी। अच्छा, ये दे सकती है भाई? उसकी अदर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, वो मेहसाणी है और पीछे वाला स्ट्रक्चर भी बढ़िया है। और आप अर्डर देखो, फिलहाल 12:30 बजे है, दूध निकल चुका है। तो अभी आप पावर दिखाओ, थोड़ा आप यहां से घुमाओ, पावर दिखाओ भाई। देखो अर्डर एकदम सुविकसित सुडोल, और जो स्पेस चाहिए वो भी अच्छी है, और मुख्य दुधारू भैंस की पहचान होती है उसकी पूंछ। पूंछ देखो भाई, ये पूंछ कितनी ढीली है, देखो 1, 2, 3 और 4 एकदम ढीली, रबड़ जैसी ढीली पूंछ अवश्य होनी चाहिए। और भाइयों ये है बन्नी,
ये प्योर प्योर गोल्ड है ये। अच्छा, ये घर की या कहीं बाहर से आई थी? हमने ये बनी से परचेस करके लाई थी, जब छोटी कटड़ी थी। छोटी कटड़ी थी। अच्छा, कितने महीने की थी? तो एक साल अगल बगल की थी, हमने 45,000 में खरीदी थी। उसका कर्जा सब लगा है, भाड़ा सहित, तो ये 50,000 में पड़ी थी हमारे पास। यानी कि एक साल आसपास की करंट भी आपने 50,000 की लाई थी। अभी पहले बिधर भी आई? पहले ब्याज दिया है इसको भी 20 दिन अगल बगल हुआ है, 20 दिन के उसके नीचे कटड़ा है। अभी 6 लीटर को टच करने वाली है। अच्छा, 5+ है, 5.5 के ऊपर, 5.5 ऊपर एक टाइम का। और पहले बेहतर में है भाई? पहले ब्याज दो दांत उम्र में छोटी है, दो दांत छोटी है। बहुत बढ़िया भाई, वाह भाई वाह। देखो आप सुंदरता देखो, उसका मुंह थोड़ा इधर घुमाओ, देखो ये क्वालिटी देखो भाई। जो बन्नी के जो शौकीन है, बन्नी के जो जानकार है, वो भाई तो अगर नस्ल सुधार करनी है, बन्नी पर काम करना है, तो ऐसी बफेलो चाहिए और बुल इससे भी अच्छा चाहिए, बुल इससे भी चढ़िया चाहिए। बुल उसका दूध का जो रिकॉर्ड है, मैन बात वही पर अटकती है। अगर रूप बहुत ज्यादा और दूध ना हो तो भी नहीं चलेगा। सही बात है, रूप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखो एक नंबर छोटी है। देखो और पुंछ और जो उसकी जो बॉडी है पहले उसकी, और दूध निकल चुका एकदम ढीली पुंछ नॉर्मल। देखो पावर बहुत बढ़िया है, अद्भुत है। तो अभी वजन इतना हुआ नहीं दूसरे बेहतर में? हाँ, दूसरे अच्छा ब्यात में तो बहुत अच्छी ये अभी है। आप बोल रहे थे कैमरे के पीछे जैसे हम ये बैठे थे, तभी भाई बोल रहे हैं कि आप ये कोई ग्राहक भी आए थे, कितने मांगी थी? 1.5 लाख के ऊपर मांगी थी, लेकिन मैंने बोला 3 लाख दोगे भी तो सेल नहीं करनी है। अच्छा, सेल नहीं करनी। देखो भाई ये पहले बेहतर की जोटी 1.5 लाख में मांगी थी, जो बन्नी के जो जानकार है वो भाई आप कॉमेंट में बताओ भाई, ये बेस जो पहले बेहतर में है बुरी है और इसकी क्या कीमत हो सकती है भाई, आप कॉमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, हमारे जो जानने वाले जो ये बन्नी के जो शौकीन है, बन्नी के जो प्रॉपर जो जानकार है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। पैसा भी हमेशा ये है, ये ओरिजिनल तो, सोना भी है, ये संधन है। अच्छा, तो ये आपके घर की है? नहीं, ये भी बन्नी से लाई है। कितने समय हुआ लाई हुई? ये 2 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए हैं। 2-2.5 साल इसने कितने आंचल चालू है अभी? लाई तभी 3 था, अभी 3 ही आंचल तो है। अच्छा, लेकिन उसके 3 थनों का 6 लीटर दूध दे देती है एक टाइम का 6 लीटर। अभी 62 हो गई है। अच्छा, उसने मुझे कटड़ा दिया है बहुत बढ़िया। अच्छा, और इस साल कटड़ी है नीचे। अच्छा, और मेरा जो काम है संवर्धन का, उसमें मुझे बहुत मदद मिलेगी इससे। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। देखो उसके बच्चे बहुत अच्छे आते हैं इसके। ये है भाई सिंदर या कुंडी जो भी कहो आप, उसकी सुंदरता उसके मुंह सिंग और बॉडी से पहचानो। जो सिंदर होती है वो हाइट में भी छोटी होती है और उसका दूध भी अच्छा होता है, चमड़ी एकदम ढीली होती है और दूध अच्छा देती है भाइयों। और ज्यादातर उसके अंदर जो बुल अपन डालते हैं, हाँ, तो प्योरिटी उसकी अच्छी मिलती है बच्चों की। जब मैं लाया ना तो वो जो उसका मालिक था वो बोल रहा था, जब भी उसके 4 थन कंप्लीट थे तो 9 लीटर एक टाइम का देती थी, 18 लीटर दूध कंप्लीट था इसके नीचे, लेकिन 1 थन प्रॉब्लम से चला गया है, लेकिन तभी ठीक है हमारे पास। तो अच्छा, हमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थन नहीं है, तो बच्चा बहुत बढ़िया देती है और शांत स्वभाव भी बहुत बढ़िया बफेलो। स्वभाव भी अच्छा है, हाँ, और रूप बहुत अच्छा है इसके अंदर। अच्छा, तो ये बेहतर कौन सा है? बेहतर तो ये पांचवा छठा होगा। ये पशु को आप क्या क्या दाने में देते हैं? दाने में हम मकाई का पेड़ा देते हैं, मकाई का दलिया। हाँ, दलिया। और कहाँ से आता है ये? साबुदाना है या यहाँ से? बाबर से लेते हैं, रेडी में मिलता है, रेडी में तैयार मिलता है। अच्छा, और क्या देते हैं? जो हमारे बनास डेरी का दान आता है, बनास दान, हाँ, अच्छा, वो देते हैं। और आपड़ी देते हैं, कपास का खल देते हैं। बहुत बढ़िया, यानी कि जो ये तो 3 तो ऑलरेडी कंपल्सरी चाहिए। हाँ, वो देते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा के लिए आप ये मक्के का दलिया भी देते हैं और ये तेलीय पदार्थ यानी कि ये बिनोड़ा खल देते हैं। कितना देते हो अंदाज? 2 किलो दान देते हैं, 2 किलो दान, 2 किलो पापड़ी देते हैं, 5-4 1 किलो वो दलिया देते हैं, 5 किलो देते हैं, 5 किलो कंपल्सरी देते ही है, कंपल्सरी एक टाइम का। बहुत अच्छा। और हरे चारे में? हरे चारे में तो वो घास है हमारा, बुलेट घास है। अच्छा, और सूखा चारा है वो ज्वार का, ज्वार बुलेट घास यानी कि सुपर नेपियर। और आपने पानी भी जस्ट बगल में रखा वो है? तो उसको चाहिए। तो पानी भी, मित्रों आप पशुपालन करते हो तो पानी जस्ट बगल में रखो, क्योंकि पानी पिएगी तभी उसका दूध बढ़ेगा। हाँ, और उसका विकास भी होगा।
कितने काम करने वाला है सभी टोटल? कितने छोटे मोटे पशु है? तो हमारे पास अभी छोटे मोटे तो 30 है। 30 पशु। हाँ। और काम करने वाला आपकी फैमिली है? हम और हमारे फैमिली दोनों। अच्छा, वो आप और आपके वाइफ? आपकी वाइफ? हाँ, दोनों। दो ही है? और एक दूध तो मैं अकेला निकाल देता हूँ सभी का। अच्छा, और चारा आप हाथों से काटते हैं? जब हम उसको नहलाते हैं सभी बफेलो को पानी से, ऐसे साफ सफाई होती है, तब तक वो हमारे वाइफ जाती है तो वो काट देते हैं चारा। खुद आपकी वाइफ भी काट लेते हैं? काट देते हैं। अच्छा, और बाकी आप ऊपर के बाप के हम कटिंग करके डाल देते हैं अंदर। बहुत बढ़िया। ये जाफराबादी है? ये जाफराबादी नस्ल है। ये कहाँ से है? थोड़ी क्रॉस में है, हमने बगल के गाँव से ली है, हमारे मामा के घर से ली है ये। अच्छा, वो लाए थे उसकी माँ जाफराबादी, वो थी जूनागढ़ विस्तार से लाए थे। अच्छा, कितना दूध है इसको? जब ब्याती है, अभी तो बाखर हो गई है, 8-9 महीना हुआ है, जब ये ब्याती है तो 11 लीटर प्लस चली जाती है, 10-11 दी। अच्छा, एक टाइम का। अच्छा, जैसे कि आपके पास ये मेहसाणे भी है, बन्नी भी है और जाफरी भी है, तो सबसे ज्यादा फैट किस में आता है? फैट तो अभी तो तबेले में सबसे ज्यादा इसका है, ये जाफरी का। जाफरी का सबसे ज्यादा फैट है। अच्छा, ब्याती है तो 8 फैट से तो शुरू होती है ये। अच्छा मित्रों, काफी भाइयों की ये कमेंट रहती है कि हमारे पशुओं में फैट नहीं आते और SNF नहीं आते। भाइयों, मैं आपको ये एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ, जैसे कि जो जिसके शरीर बड़ा होता है, जिसके शरीर में चमड़ी बड़ी होती है, चमड़ी यानी कि वो फैट, उसमें ज्यादा फैट आएंगे। और काफी भाई ये भी बोलते हैं, भाई हमारे तो 3-3.5-4 फैट आते हैं, तो उसका मुख्य नुकसान आप ये करते हैं कि पशुओं को आप पूरे दिन चारा डालते हो। भाई, पशुओं को आप 10 बजे बाद फ्री रखो और 4 बजे तक, यानी कि 10 से 4 आप उसे फ्री करो, सुबह में आप चारा डाल दो, 10 बजे पहले चारा डाल दो और वो बड़ी आसानी से जुगाली करे, ऐसा उसे समय दो। भाइयों, जो ज्यादा जुगाली करेगी तभी उसका जो पाचन शक्ति इतनी मजबूत बनेगी, उसके जो पोषक तत्व है वो प्रॉपर शरीर को मिलेगा और पोषक तत्व पूरा मिलेगा, तभी उसका फैट परसेंटेज अधिक मिलेगी। भाइयों, काफी दिन आप पूरे दिन ऐसे डालते रहो ऐसा ना करो। भाई, आप 10 बजे पहले ये खाना बाना खिलाना बंद कर दो और शाम को 4 बजे तक, ठीक है? तो ये भी भाई बनी, ये हमारे घर की तैयार की हुई थी। ये खुद आपने घर पे तैयार की? उसका बाप बनी का था। अच्छा, उसकी माँ हमारे घर पर है वहां पर, और उसका भी रिकॉर्ड 20 प्लस का ही है इसकी माँ का। इसकी माँ का ये पहले बेहतर भी है? ये दूसरा ब्यांत है अभी। पहले बेहतर में कितना? पहले ब्यांत में उसने 13 किलो दूध दिया है, अभी दूसरा ब्यांत 1 महीने पूरा हो गया है ब्याए। अच्छा, अभी इसके नीचे 14 किलो रेडी है आज, 7-7 केजी। हाँ, 7-7 दोनों टाइम, 7-7 14 लीटर तैयार है। अच्छा, दूसरा ब्यांत है। भाई साहब, आपको ये पशुपालन में मुश्किलें क्या रहती है, क्या क्या तकलीफें होती है? तकलीफ तो थोड़ी थन की बीमारी ज्यादा रहती है। थन की बीमारी? थन की बीमारी, वो उसका प्रॉब्लम होता है, ये जो हम सीमेंट लगाते हैं नीचे, शेड बनाते हैं नीचे सीमेंट लगाइए, गद्दे तो हमने ऐसे ही 10 दिन के पहले लाए हैं। अच्छा, तो ये नुकसान नहीं है, थन खराब होने के बाद ही आपने ये गद्दे लाए? 1-1 लाख की बफेलो हमने 4-5 खराब कर दिए। अच्छा, 50-50 हजार में सेल कर दिए। कितने में पड़ा था गद्दा? ये 2250। 2250 का। ये कितनी साइज है? ऐसी ये 8 फुट लंबा है। 8 फुट लंबा है और थोड़ा 5-5 चौड़ा है। 2250 में पड़ा था? 2250। अच्छा, काउ मेट? हाँ, ये भीम सुपर का है। ये कहाँ से आया था? ये हमने यह राधमपुर से लिया है। अच्छा, ये 2022-2025 में अच्छा सा गद्दा मिल जाता है? मिल जाता है, इससे अच्छा रहता है। और जैसे मैंने एक बात नोटिस की है, जब ये बफेलो हम इधर बांधते हैं ना, तो कोई बफेलो बैठती नहीं थी दिन में, इसे खड़ी रहती थी। जब से ये गद्दे आए हैं, ये तो हम अंदर घूम रहे इसलिए खड़ी है, मानो सभी बैठ जाते अंदर। अच्छा, इसकी दुष्यंता क्या है? ये छोटी सेकंड टाइमर है, थोड़ी सिंक की क्वालिटी ऐसे कोई क्रॉस हो गए हैं। ये बन्नी से लाया था मैं। नहीं, बन्नी है ये, बन्नी थोड़ी सेट ऐसे मुंह से लगती है। वो मुंह से लगती है, लेकिन उसका कैरेक्टर तो बन्नी के ही है। अगले साल ये दोनों क्या अच्छा होगा? दोनों झोटियां अगले साल फर्स्ट टाइमर थी, अभी दोनों ने 12-13 लीटर दूध दिया था। अभी इसको ब्याह 10-15 दिन हुआ है, अभी इसके नीचे तो 12 तो रेडी है, 6-6 लीटर दोनों टाइम रेडी। दूसरा बिधर ब्याह ना? दूसरा ब्याह ब्याह है। देखो भाइयों, मजबूत है। और ये वाली? ये थोड़ी कमजोर है, इसको ऑपरेशन करवाया था हमने। अच्छा, लोखंड था इसके पेट में। लोहा खा लिया था। तो कहाँ करवाया था आप लोग ऑपरेशन? तो हमने यहाँ डॉक्टर आए थे और फिर उस मशीन से चेक किया, तो आगे वाले भाग में लोखंड था। अच्छा, तो हमने ऑपरेशन, बहुत दूध वाली बफेलो है ये मैं लाया था वाव थराज से। अच्छा,
ठीक है, 9-9 लीटर दोनों टाइम दूध था इसका। अच्छा, और फिर काबिन थी 5 मंथ की, और मैंने ऑपरेशन करवा के इतना सारा लोहा निकलाया था अंदर से, कच्ची और लोहा। अभी ऑपरेशन करने के बाद तो डॉक्टर बोलते हैं थोड़ी हो गई है, रेडी हो गई है, पहले तो मरने के एंड पर थी। सही बात है। अभी उसकी अंडर की क्वालिटी देख सकते हैं आप, अभी तो बहुत टाइम है दूध शाम को निकलने में। अच्छा, ये तो अभी अब खाने का शुरुआत कर दी। हाँ, कर दी है अभी। तो ये लोहा का जब ऑपरेशन होता है डॉक्टर बोलते हैं अब खाना ये खिलाना, थोड़ा कम खिलाते थे पहले, अभी तो खाना रेडी खा रही है। अच्छा, दुधारू अभी 10-12 लीटर तैयार है इसके नीचे, 10 दिन हुआ है इसके नीचे कटड़ी है। बहुत बढ़िया, 3 बार बियाई है यहाँ, 3 कटड़ियां दी है इसने। और ये बनी से लाया है। अच्छा, क्या दूध क्षमता है इसकी? इसकी 9 लीटर प्लस है ये। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया बकल है, एकदम शांत स्वभाव की है, दूध में भी बहुत अच्छी है। और ये भी 2 बार भी आई है, 2 कटड़ियां दी है इसने। अच्छा, अभी 3री बार भी आने वाली है। अच्छा, गाभिन है 9 मंथ की। ये भी मैं वहां से लाया था, थोड़ी ब्रीड क्रॉस हो गई है, बनी से लाया था। अच्छा, ये झोटड़ी अभी 1 मंथ के बाद बच्चा देगी। अच्छा, इसकी बहन है। ये भाइयों सभी कटड़िया है, और अब हम आपको बहुत ही फेमस मेंबर बुल दिखाना चाहते हैं भाइयों, और ये बुल आप देखेंगे तो चौक जाएंगे। तो देखो भाइयों, ये बन्नी का बहुत ही खूबसूरत बुल है। देखो आप मुंह का जो पूरा पैटर्न है, सिंग देखो और बॉडी कैरेक्टर देखो भाइयों, थोड़ा सिंग थोड़ा अलग पैटर्न है, सिंग थोड़ा जो गोलाई चाहिए वो प्रॉपर थोड़ी कम है, लेकिन उसके जो बच्चे आते हैं वो गजब के आते हैं भाइयों। मुख्य हमें बच्चे चाहिए, जैसे कि उसके अंदर जो रूप है और बॉडी के जो कैरेक्टर है, पूरा रंग रूप पूंछ बूंछ जो मुंह वो जो चाहिए वो तो परफेक्ट है। तो कितने बच्चे आए टोटल अभी? इसके 5 बच्चे आए हैं अभी। ये छोटे इसके ही है? हाँ, इसके 4, एक तो हमने सेल कर दिए। 1, 2, 3, 4 बच्चे। तो ये बच्चे अलग सेल किए या उसकी माँ के साथ गए हैं? तो ये कहाँ से आया था? ये उसकी माँ यहाँ आई थी बनी से। अच्छा, तो उसको 4 साल पहले लाई थी। अच्छा, बगल के गांव में जी। तभी तो यहाँ बनी का इतना नहीं शौक था सभी को। अच्छा, तो लोग देखने जाते थे उसकी माँ को। अच्छा, और बहुत बढ़िया बफेलो थी, 10 लीटर दूध था एक टाइम का। अच्छा, उसकी माँ का। अच्छा, तभी से ये मेरी नजर में था। अच्छा, तो अभी मैंने इस साल इसको परचेस किया है। कितने में पड़ा ये? ऐसे बोलो तो सस्ता आया है, 50,000 में मैं लाया हूँ। और इसका बाप? इसका बाप बुरा? वो बनी में ना, बुरा नहीं है, वो बनी में होगा। अच्छा, इसकी माँ आई थी, ये छोटा कटड़ा था 1 मंथ का। बहुत बढ़िया, 4 साल का हुआ है। बुल में कोई कमी नहीं है भाई, देखो सिंह का पूरा जो पैटर्न है वो थोड़ी अलग दिशा में जाती है, लेकिन ये थोड़ा ये सिंह है ना, थोड़ा गोली बहुत थोड़ी ज्यादा हो गई, गोली थोड़ी जो उसका जो कुमा है वो थोड़ा अलग पैटर्न में है, लेकिन उसके बच्चे बहुत बढ़िया। ये बुल बढ़िया बनेगा, ये कटड़ा है इसका। ये देखो भाई आप उसका मुंह देखो, उसका मुंह और बॉडी देखो, ये सभी बच्चे देखो। और ये भी बहुत बढ़िया है। ये थोड़ा बुल देख ले पहले। तो ये बुल आपका घर का है? ये वो सिंधन का है। वो सिंधन का दूसरे नंबर के? हाँ, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर के। हाँ, तीसरे नंबर वाले सिंधन का है। वाह, उसका मुंह देखो आप, ये तो जो पहचानने वाला है वो तो ऐसे देख के पहचान जाएगा, इसकी कोई पहचान देने की जरूरत नहीं। तो अभी उसका मुंह तो आपके पास जो सभी जो बन्नी है, जो बनी नस्ल है उसमें सबसे बढ़िया मुंह इसका है। हाँ, इसका है, क्वालिटी बढ़िया है, इसका बाप भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये सभी एक ही बुल के हैं, ये 5-6 बच्चे। ये जैसे कि जो माड़ा लाला भाई है, लाला के बाद जो बुल है प्रॉपर उसी की पैटर्न है। हाँ, उसी की पैटर्न, उसी टाइप बने, बहुत बढ़िया बुल है लाला भाई के पास। और ये बड़ा हो गया ऐसा ही बनने वाला है। बहुत बढ़िया, देखो भैया पूंछ बूछ कैरेक्टर सभी अच्छे, एकदम नॉर्मल पूंछ है इसकी, ढीली पूंछ है। टेस्टिकल भी अच्छे है, टेस्टिकल बढ़िया है। देखो ये थोड़ा ये सिकुड़ गया है आपको लगता ये है? थोड़ा जब छोटा था ना बीमार बहुत रहता था, तो उसी कारण थोड़ा ऐसा हो गया है, बाकी अभी, तो अभी हो गया है रेडी। बहुत बढ़िया, देखो ये बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे बुल। अरे नहीं मिलते, सही बात है। ये कटड़िया भी उसी बुल की है, ये देख सकते हैं आप। मैं आपको अब भाइयों जो उनके पास एक बुल था उसी की कटड़िया दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो लोगों को थोड़ी परेशानी रहेगी। तो आप ये कटड़िया देखो, ये कटड़ी बहुत बढ़िया कटड़ी, ये भी अच्छी है, ये भूरी, सभी भूरे बुल की है, कोई ब्लैक आई है, कोई भूरी आई है। मुंह और शेप देखो, और यहाँ पर भी भूरी है, देखो अद्भुत है, बिल्कुल उसके बाप कर दिया। ये भूरा बुल है, ये भूरा बुल, वो भी उसी नस्ल का, एक ही बुल के सभी बच्चे हैं।
अच्छा, अगर ये पूरा बुल भी आपने घर पर रखा? जी रखा है, सेल कर देंगे हम अगर कोई अच्छा मिल गया ना बंदा इसको रख रखाव करने वाला, अकेले में या कोई शौक से तो सेल कर देंगे, जान पहचान का बंदा होगा तो। अच्छा, ये भी कतड़ी उसी नस्ल के है, उसी बुल की है। बहुत अच्छा है भाई। तो भाइयों यहाँ पर सभी कतड़ियां हैं, वहां पर भी छोटे छोटे कतड़ियां और वहां पर सभी पैसे हैं। तो भाई साहब पशुपालन कैसा लगता है आपको, ईमानदारी से बताना। जैसे कोई भी बंदा जब बाहर जॉब करता है उसके मुकाबले ये पशुपालन करेगा तो कैसा रहेगा? देखो हम बाहर जाते हैं जॉब करने तो हमें कितना पगार मिलता है, जो 10-12-15-20 हजार मिलेगा तो उसके अंदर हमको काम करना पड़ेगा। सही बात है, उसके दबा में वो जो बोलेगा वो हमें करना पड़ेगा। सही बात है। और ये एक बिजनेस है, अगर आप इसमें जितना मन लगाए काम करोगे उतना मुनाफा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और फिर हमारे ऊपर कोई सेठ नहीं होगा इसमें, हम ही मालिक है और हम ही काम करने वाले हैं इसमें। सही बात, ठीक है। और ये एक हमारा शौक है और बिजनेस भी है और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है हमको इसमें। चलो भाई, थैंक यू।